नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। डिस्ट्रिक्ट साउंड एंड लाइट कैटरिंग ऑनर एसोसिएशन ने कलेक्टर कार्यालय के सामने किया उग्र प्रदर्शन। साउंड बॉक्स को आग लगाकर किया प्रदर्शन। प्रशासन के आश्वासन पर आंदोलन हुआ शांत। सोमवार को प्रशासन से होगी वार्ता। कोरबा जिले में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए धारा 144 लगाई है। वहीं शादी विवाह, सार्वजनिक व निजी समारोह पर रोक लगाई गई है, जिसका विरोध डिस्ट्रिक्ट साउंड एंड लाइट ऑनर एसोसिएशन कर रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शादी समारोह में 50 की जगह 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाए, कोविड प्रोटोकॉल पालन के साथ उन्हें अनुमति दी जाए। इससे उनकी स्थिति सुधरेगी और परिवार भूखों मरने से बच जाएंगे। प्रदर्शनकारियों से चर्चा करने जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर समझाइश दी। अभी तहसीलदार साहब और अधिकारी कुछ बोल के गए हम लोगों को कि दो दिन बाद बैठ के आप लोग अपना एजेंडा रखना और उसके बीच बात करेंगे और आपके लिए जो भी उचित निर्णय रहेगा निकालेंगे हम लोग। तो आप लोगों ने क्या फैसला लिया? हम उनके क्या बोलते हैं, जो भी आदेश उसको पालन करते हैं। फिलहाल अब यहाँ से जा रहे हैं, दो दिन बाद हम उनसे मीटिंग लेंगे जैसा वो लोगों कहा है। अगर नहीं माने तो फिर एक उग्र आंदोलन चक्का जाम करेंगे, जो स्थिति रहेगी बंद पड़ेगी करेंगे। डीजे वाले और कैटरिंग वाले मांग कर रहे हैं कि उनको डीजे की परमिशन दी जाए, लेकिन धीरे में जिले में धारा 144 लागू है तो इनको समझाइश दी गई, पर फिर भी इनके मांगों के संबंध में एक इनसे डेलीगेशन टीम इनकी आएगी जो हमारे यहाँ मीटिंग करेगी। कमिश्नर साहब जो हैं अभी ईडीएम के चार्ज में है वो, और हम लोग तहसीलदार साहब, टीआई साहब, सीएसपी साहब बात करेंगे इनसे, इनकी मांगों को सुनेंगे, समझेंगे, जो भी यथासंभव नियम के तहत निर्णय होगा वो करेंगे। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना का बढ़ता ग्राफ, फिर मिले 112 नए कोरोना संक्रमित। राजस्व निरीक्षक, भाजपा नेता, बैंक कर्मी मिले कोरोना संक्रमित। बालकोनगर, आरएसएस नगर और कोयलांचल में बढ़े मामले। कई इलाकों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनने के आसार बढ़े। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है और शुक्रवार को कुल 112 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों में राजस्व निरीक्षक, भाजपा नेता, जेसीआई का पूर्वाध्यक्ष, मोबाइल दुकान का संचालक, बैंक कर्मी भी शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक करतला ब्लॉक में 3, कटघोरा ग्रामीण क्षेत्र से 20, कटघोरा शहरी क्षेत्र से 10, कोरबा ग्रामीण क्षेत्र से 1, कोरबा शहरी क्षेत्र से 68, पाली ब्लॉक से 8 व पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक से 2 संक्रमित मिले हैं। कोरबा ब्लॉक में अकेले रविशंकर शुक्ल नगर में 15 संक्रमित मिले हैं। निकटतम दादर वार्ड नंबर 31 से 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। बालकोनगर क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियों के अलावा परसाभाठा, बद्रापारा, हाउसिंग बोर्ड, आजाद नगर, इंदिरा मार्केट, कैलाश नगर से कुल 18 संक्रमित मिले हैं। जिले के कई इलाकों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनने के आसार बढ़े हैं। कोयलांचल में दीपका व कुसमुंडा क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियों बालकोनगर के विभिन्न सेक्टर व क्षेत्रों के साथ साथ रविशंकर शुक्ल नगर सर्वाधिक प्रभावित है। जिले में अब तक 18,066 कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसमें वर्तमान में 599 एक्टिव मरीज हैं। अब तक जिले में 137 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में 45 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीकाकरण शुरू। 104 सरकारी केंद्रों में 99,000 से अधिक लोगों ने लगवाया टीका। 45 साल से अधिक उम्र के 2,84,000 लोगों को लगेगा टीका। कोरबा में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अस्पतालों में लोगों की उपस्थिति बढ़ने लगी है। पहले दिन 45 वर्ष से अधिक आयु के 9,000 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था। दूसरे दिन तक यह आंकड़ा 21,000 को पार कर गया। जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल तक 45 व उससे अधिक आयु वालों का टीकाकरण पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि इसके बाद सामान्य आयु वर्ग के लोगों का भी टीकाकरण शुरू होगा। अब तक रविवार को छोड़कर टीका लगाया जाता था, अब पूरे दिन टीकाकरण केंद्र खुले रहेंगे। जिला अस्पताल में पदस्थ एमडी मेडिसिन और कोविड अस्पताल के पूर्ण इंचार्ज डॉक्टर प्रिंस जैन ने अभी के समय में कोरोना से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम वैक्सीन को बताया है। वैक्सीन के बारे में जनमानस में
फैल रही भ्रामक बातों को गलत बताते हुए टीका लगवाने की सलाह दी है। डॉक्टर प्रिंस जैन ने बताया कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं और ऐसी महिलाएं जो अपनी गर्भावस्था के बारे में निश्चित ना हो उन्हें टीका नहीं लगवाना चाहिए। अभी जिले में 45 साल से ऊपर जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या लगभग 99,000 के आसपास में हम लोगों ने लगा लिया है, और अभी जो सेकेंड डोज को देखेंगे तो लगभग 11,000 के आसपास में हम लोग सेकेंड डोज लगा रखा है। सर ये कितने का सर लक्ष्य अभी है टोटल लगाने का? भी अभी जो हमारे पास में 45 प्लस का है वो 284,000 लोगों का लक्ष्य है। 284,000 लोगों को हमको टीकाकरण करना है। 45 प्लस वालों का सर किस तरीके का रुझान है सर, वो लोग किस तरीके? हाँ, अभी जो पिछले 2-3 दिन के आंकड़े देखेंगे तो जो हमारे आंकड़े हैं वो 15,000 प्लस में है। कल जो हम लगाए थे 17,400 के आसपास में वैक्सीनेशन हुआ है, तो ये जो आंकड़े हैं ये उत्साहित करने वाले आंकड़े हैं। इसमें लोग स्वस्फूर्त अपने वैक्सीनेशन केंद्र तक पहुंच रहे हैं और टीकाकरण में सहयोग कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के गेवरा और ऊर्जा नगर के बाद अब पाली का वार्ड 9 बना माइक्रो कंटेनमेंट जोन। पाली SDM अरुण खलको ने जारी किया आदेश। जिले में कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे आंशिक से फिर पूर्ण लॉकडाउन की संभावना बढ़ गई है। एक ही क्षेत्र में सघन संक्रमण बढ़ने से दीपका गेवरा के ऊर्जा नगर के बाद अब पाली वार्ड नंबर 9 को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वार्ड में एक साथ 7 लोगों के संक्रमित पाए जाने से 50 मीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। शुक्रवार को जिले में 112 संक्रमित मिले हैं। शहर के बाद उपनगरीय क्षेत्रों में संक्रमण का दायरा बढ़ने लगा है। पाली के अनुविभागीय दंडाधिकारी अरुण खलको ने एक आदेश जारी कर नगर पंचायत पाली के वार्ड क्रमांक 9 में कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के कारण पाली तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार संपूर्ण क्षेत्र को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 50-50 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। पूर्व में सीताराम पटेल का घर, पश्चिम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व जनपद पंचायत पाली रोड, उत्तर में सामुदायिक व्यायाम शाला से सीताराम पटेल घर तक, दक्षिण में आईसेक्ट ऑफिस से पटेल के घर तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सीमा निर्धारित की गई है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने पाली थाना प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहन साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाए सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास, 1BHK, 2BHK, 3BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8770623544। MXT is the new MPEG 4 box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्रे जमनी पाली जेलगांव, CSB पावर सिटी पुष्पल्ला साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियाबाद जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार, इसके अलावा ओपीडी वार्ड 2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटीटी, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं, कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15-25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT is the new MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4-box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818184018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4-box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, नॉनस्टॉप प्रसारण। 1250 रूपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रूपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में लोको पायलट व उसकी पत्नी ने मां को बीमार बता ठगे 28.5 लाख रुपए। मानिकपुर पुलिस ने पति पत्नी को किया गिरफ्तार। मां की बीमारी का बहाना और फिल्म बनाने के नाम पर 7 लोगों से 28,50,000 रुपए, 30 तोला सोना और 500 ग्राम चांदी की ठगी करने वाले लोको पायलट व उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सोना व चांदी मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी में गिरवी रख उससे मिली राशि अपने एक साथी को फिल्म बनाने के लिए देने की बात कही है। रेलवे में नौकरी करने का फायदा उठाते हुए यह धोखाधड़ी की गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब पूर्व माध्यमिक शाला रिजदी में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत व पोड़ी बहार निवासी फेकूराम टंडन व पोड़ी बहार निवासी मीना देवी बंजारे ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि ग्राम तुलसी थाना नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा हाल मुकाम ओमपुर रजगामार निवासी दिलीप मधुकर अपनी पत्नी संतोषी मधुकर के साथ रहता है। दिलीप रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत है, इसलिए लोगों पर उसका विश्वास भी बना हुआ है। इसका फायदा उठाते हुए मधुकर दंपति ने लोगों को आसानी से ठग लिया।
अपनी मां का इलाज कराने के नाम पर आरोपियों ने जून 2020 से दिसंबर 2020 के बीच अलग अलग लोगों से 28,50,000 नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात की ठगी की। लोगों को विश्वास था कि रेलवे में नौकरी होने की वजह से राशि वापस मिल जाएगी, पर मधुकर दंपति राशि लौटाने में टालमटोल करने लगे। इस पर प्रधान पाठक पेकुराम टंडन और मीना देवी बंजारे ने धोखाधड़ी होने का आभास हुआ और उन्होंने मानिकपुर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया। दो टीम बनाकर जिला जांजगीर चांपा के ग्राम तुलसी थाना नवागढ़ व ओमपुर रजगामार रवाना की गई। ग्राम तुलसी से संतोषी व ओमपुर से दिलीप मधुकर को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोरबा लाने के बाद पूछताछ की। तब आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोना चांदी के जेवरात मणपुरम में गिरवी रख राशि लेने व ठगी की राशि फिल्म बनाने के लिए अपने साथी को देना बताया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। चौकी मानुपुर क्षेत्र अंतर्गत जो आवेदक है फेकूराम टंडन और मीना बंजारे, उनके द्वारा लिखित में शिकायत पत्र दिया गया था कि दिलीप मधुकर और संतोषी मधुकर के द्वारा 18 लाख रुपए एक आदमी से और एक आदमी से 14,50,000 रुपए और उनके गहने को और उनसे धोखाधड़ी करते हुए उनको गिरवी रखने के नाम पर ले लिया था और बार बार उनसे मांगने पर वापस भी नहीं कर रहा था। और जांच पर पता चला कि ये दोनों का जो गहने हैं उसे गलत तरीके से लोग जो फाइनेंस कंपनी है वहाँ डाल दिए थे गोल्ड वाले में, और उसके बाद फिर उनसे इस प्रकार से 14 लाख रुपये 50,000 और 18 लाख रुपये के ठगी करना पाए जाने पर धारा 420 के तहत इनके विरुद्ध अपराध कायम किए गए हैं और दोनों को अभी आरोपियों को रिमांड में भेजा जा रहा है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बाड़ी में रखी लकड़ियां हटाते ही फन फैलाकर फुफकारने लगा नाग सांप। रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। ढेलवाडी बस्ती के घर में उस वक्त लोगों में हड़कंप मच गया जब परिवार का एक सदस्य सर्पदंश से बाल बाल बच गया। घर की बाड़ी में लकड़ियों का ढेर लगा है जिनकी सफाई यह परिवार कर रहा था, तभी एक लकड़ी का टुकड़ा हाथ लगाया ही था कि उसके नीचे से नाग फन फैलाकर बैठ गया। उसने डसने की कोशिश भी की जिसे देखते ही ग्रामीण चीखकर भाग गया। वन अमले की मौजूदगी में स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी ने सर्प को पकड़कर जार में डाला और तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। जिले में लगातार सांप निकल रहे हैं जिन्हें रेस्क्यू करने का काम वन विभाग के साथ स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी लगातार कर रहे हैं। एक ओर लोग कोरोना से डरे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जमीन में रेंगने वाली मौत से भी लोग आए दिन जूझ रहे हैं। दादर से लगे ढेलवाड़ी बस्ती में निवासी किशन बघेल का उनका परिवार सर्पदंश का शिकार होते होते बच गए। सफाई के दौरान बाड़ी में रखी लकड़ी के ढेर में से कुछ लकड़ी उठाने वाले ही थे कि उसमें से विशालकाय नाग सांप निकल आया। उसे देख परिवार दहशत में आ गया, जिसके बाद किशन ने तुरंत स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को सूचना दी। वन विभाग के साथ जितेंद्र सारथी मौके पर पहुंच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लकड़ी का ढेर अधिक होने की वजह से 1 घंटे लग गए, जिसके बाद कोबरा सांप को सकुशल रेस्क्यू कर डिब्बे में रखा गया। रेस्क्यू के दौरान जितेंद्र ने लोगों को सांप के बारे में जानकारी दी। सांप को सकुशल पकड़ने के बाद उसे सुरक्षित जंगल में जाकर छोड़ दिया गया। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। शहर के प्रसाद नेत्रालय व घंटाघर में संचालित राष्ट्रीय हैंडलूम में किया जा रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। निगम के जांच दल ने दोनों पर लगाया 5,000 रुपए का अर्थदंड। कोरबा में बढ़ते कोरोना के खतरे से लोगों को बचाने की कवायद तेज करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने निगम अमला पूरी तरह सक्रिय हो गया है। शहर के प्रसाद नेत्रालय और घंटाघर में संचालित राष्ट्रीय हैंडलूम में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बाजारों सार्वजनिक स्थानों में रखी जा रही पैनी नजर उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के साथ दी जा रही समझाइश। इधर निगम आयुक्त एस जयवर्धन खुद शहर का भ्रमण कर जायजा लेते नजर आए, वहीं निगम के जांच दल को कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा
बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8770623544। NXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब ऐसे स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्री जमनी पाली जेलगांव, CSB पावर सिटी पुष्पल्लभ साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियाबाद जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार, इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15-25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। ₹1250 का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र ₹500 में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी,
मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। ऊर्जाधानी कोरबा में गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। तपती धूप का असर तेज, तापमान पहुंच रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। कोरबा में ग्रीष्म के कारण तपती धूप का असर तेज हो गया है। दोपहर को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। सूरज ढलने के बाद भी शाम के समय गर्मी का असर बरकरार है। ग्रीष्म की तपन वातावरण को अपनी चपेट में लेने लगा है। धूप के चलते लोग अब दोपहर को बाहर निकलने से परहेज करने लगे हैं। तपती धूप से बचने के लिए लोग स्कार्फ का सहारा लेने लगे हैं। शहर में शीतल पेय की दुकानों में लोगों का जमावड़ा कोरोना के चलते कम देखा जा रहा है। पेयाव की समस्या के चलते लोग घर से ही पानी लेकर बाहर जाना उचित समझ रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ पेयजल की समस्या गहराने लगी है। माना जा रहा है आने वाले दिनों धूप के साथ हीट स्ट्रोक का असर तेज हो जाएगा। डॉक्टर की माने तो धूप में अधिक समय तक घूमना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।